मैं सुखनैप सिंह सिद्धू पंजाबी न्यूज ऑनलाइन तो तुहाडे सारिआं दे नाल किसे ना किसे मसले दी हुण सांझ पाउंदा रहा। सो अज दे प्रोग्राम दे विच अपने नाल जुड़े हुए ने बीबी रमनदीप कौर मरखाई, जिहड़े काफ़ी समा पहला एक वड्डे विवाद नूं लैके चर्चा च आए सी क्योंकि पंजाब दे विच नशा थां थां विक रहा है पर नशे दे विरुद्ध इस कुड़ी ने अपने तौर पर मुहिम खड़ी कीती सी, शुरू कीती सी। उहदा कारण वी इह है कि रमनदीप कौर होरां दे दो विआह होए, पहला पति वी नशेड़ी, दूसरे की मौत भी नशे कारण हुई सी। पर अज मसला कुछ होर है जिहदे ते इहनां दी ते इहनां दे इलाके की गल करदे। रमन जी स्वागत, सति श्री अकाल जी। हाँ जी, सति श्री अकाल जी। सो इन्हां दिनां दे विच जदों करोना की गल करदे आ, तुसीं अपने तौर दे उत्ते जतन आरंभे होए ने, जिहड़े लोग ने पीड़ित उन्हां तक जा रहे हो जां हजे पीड़ित नहीं भी उन्हां तक भी जतन कीते, कदे मास्क भेजे जां कुछ होर। सो हुण स्थिति की है तुहाडे इलाके दी, फिरोजपुर जिले दी? देखो जी, जेकर गल करिए करोना नूं लैके मेरे इलाके की स्थिति है जिहड़ी, उह कल शाम तो काफ़ी मंदभागी हो रही है क्योंकि अचानक एकदम इनियां रिपोर्टां जिहड़ियां पॉजिटिव आ गईआं जिहड़ियां ने हर एक इंसान नूं सोचण वास्ते मजबूर करता कि किस तरह ते किवें हो गया। ते रही गल आ जिहड़ी असीं जतनशील उस दिन तो ही आ जदों सानूं पता लगा सी कि चीन दे विच महामारी ने अपने पैर पसार लिया ते हौली हौली बहुत घातक रूप जिहड़ा उह धारण करूगी। फिर असीं हौली हौली घर दे विच जिहड़े मास्क बनाउणे शुरू कीते ते इह मास्क मैं बैंक ऑफ इंडिया दे अगे ज़्यादा जिहड़े आ मुफ्त दित्ते आ बजुर्गां नूं, क्योंकि जिहड़े बजुर्ग उत्थे पेंशनां लैण आउंदे सी, खास करके उन्हां बजुर्गां कोले इस तरह की कोई भी सुविधा है नहीं सी, कोई मास्क वगैरा नहीं सीगे। ते मैं भी अपनी विधवा की पेंशन लैण गई सी, मैनूं बहुत दर्द होया। बाकी लोड़वंद जिहड़े सी ते उन्हां नूं इह दित्ते गए राशन घर जिन्ना क मैं विधवा कुड़ियां दा राशन दे रही सीगी, पर हुण नाल उन्हां परिवारां दा भी दे रही हां जिहड़े कि मैनूं पता कि हाँ ये वाकई गरीब आ, ये दो वक्त दी रोटी नहीं खा सकदे। हुण फिरोजपुर जिहड़ा बठिंडा भी पहला फिरोजपुर ते बठिंडा तीन चार होर जिले आ जिहड़े ग्रीन जोन गिणिया जांदा सी, इक एसीपी उहनां दा गनमैन तुहाडे जिले नाल संबंधित सी, उह पॉजिटिव आ गया। उदों बाद जिहड़ी जीरो टुटण वाली गल सी फिरोजपुर तों सामणे आई, ठीक है, उहदे च पता ही वरती गई होऊ कि उस एसीपी दा जिहड़ा गनमैन सी उहनूं इत्थों तक आउण दी ढिल क्यों दित्ती गई। पर हुण जिहड़े हजूर साहब तों लिआंदे होए लोक ने, कल शाम की जो गल करिए 95 सैंपल लै गए सी, 95 दे विच्चों तकरीबन जिहड़ियां रिपोर्टां सी उह 70 दियां सामणे आईआं सी ते 70 दे विच्चों 25 केस पॉजिटिव कल्ले फिरोजपुर दे निकले सी। सो इहदे च इह वी है कि तुहाडे नेड़ले इलाके दे ज्यादा ने, उहदा की कारण है? देखो जी, कारण 2300 किलोमीटर तो चल के नदेड़ साहब तो जदों संगत नूं लिआंदा गया, असीं धन्नवाद करदे हां क्योंकि कोई भी किते भी फसिया हर एक इंसान नूं अपने घर परतन की बहुत ज्यादा काहली आ, हालात बहुत खराब आ, है ना। पर किते ना किते चीजां सानूं सोचण वास्ते मजबूर कर दिंदियां। हुण मेरा जिहड़ी मेरी तहसील आ जिथों दे 25 पॉजिटिव आए आ नेड़े तेड़े दे पिंडां दे, उथों मेरा पिंड 7 किलोमीटर आ ते जिहड़ी महामारी दी मार आ इह 1.5 किलोमीटर ते मेरे खड़ी आ क्योंकि मेरे नाल दे पिंड वी इह केस आ जिहड़ा उह पॉजिटिव पाया गया। ते देखो सानूं जांदियां नूं जदों असीं शहर जांदे आ तां सानूं जांदियां नूं 5 नाके आउंदे आ, 5 नाक्यां दे उत्ते सानूं रोकिया जांदा, पुछगिछ कीती जांदी आ। इस इह चीज़ ने सोचण वास्ते मजबूर करता आम लोकां नूं कि जिहड़े 2300 किलोमीटर तों शरधालू चल के आए सी, जथा लै के आंदा सी, असीं उहनां दी मतलब कि सरोपा पा के असीं उहनां दा स्वागत कीता ते उहनां नूं घरां वास्ते भेज दित्ता। पर जदों कि सरकारां इह दावे कर रहीआं सी कि कोई भी बाहरली स्टेट तों जिहड़ा भी आ रिहा उहनूं इंसुलेट करो, पर इत्थे जाके किते ना किते मैनूं लगदा प्रशासन दी ते साडियां सरकारां दी साडियां विधायकां दी बहुत वड्डी अणगहिली रही है, जिहड़ी अणगहिली दा सिट्टा अज असीं भुगत रहे हां। हुण देखो 25 उह तां पॉजिटिव आ ही गए ते उहनां 25 दे परिवार वी पॉजिटिव आ गए, उहनां मासूम बच्चियां दा की कसूर आ जिहड़े बच्चे इस मार दे शिकार हो गए आ। आ जिहड़े तुसीं कहिंदे वी उहनां दे परिवार आ गए, इहनां दे सैंपल आ चुके आ जी सामणे जां हजे आउणे आ? नहीं जी, विचों कई बच्चों के नाल सैंपल आ जिहड़े उह आ चुके आ, एक दो पेशेंट दे सैंपल जिहड़े आए आ, कुछ दे सैंपल आ जिहड़े उह अज क्लिक होने आ ते उहनां दी जिहड़ी रिपोर्ट आ उह 3 दिन बाद आउणी आ, ते कुछ कु लोकां दी रिपोर्ट आ जिहड़ी उह अज शाम नूं जां कल सुबह तक आ रही आ। इत्थे आइसोलेट करन दी गल आ, क्वारंटाइन करन दीआं गल्लां ने, जदों इह आ कि हुण तां सरकार ने इह आखिआ कि
जिनी देर कोई बंदा पंजाब दे विच आउंदा बाहरों ते इत्थे आके उहनूं क्वारंटाइन करके रख्या जाऊगा। पर दूजे पासे जे गल करिए तां इह वी इक सवाल है कि जदों कोई बंदा इत्थे पंजाब च आ गया जिहड़े पहलां आए सी उहनां नूं घरों घरी भेजता सी, इहनां नूं वी घरे भेजा गया जी पहलां जां क्वारंटाइन करके रख्या गया? नहीं जी, इन्हां नूं घर भेज दिता गया। यही साडे प्रशासन की सब तो वड्डी कुथाई रही है ना कि इन्हां बंदियां नूं मतलब के घर भेज दिता गया, जदों कि इन्हां नूं इंसुलेट करना चाहीदा सी, एकांतवास दे विच इन्हां नूं रखना बहुत जरूरी सीगा। पर किते ना किते इस अणगहली ने जिहड़ा बड़ा भयानक सिट्टा दिता सन। ते हुण समस्यावां किहो जिहियां होर वध गईआं, क्योंकि इक तां इह है कि डर तां हरेक दे मन च हुंदा है। इस तों पहलां इह सी कि पंजाब च सी, सानू यह सी कि चलो थोड़े जे केस ने, हुण यह है कि पिंडां दे विच लगभग हरेक पिंड दे नेड़े तेड़े इहो जे केस सामने आ रहे ने। छोटे बच्चे आ उहनां दे मनां च वी डर है, वड्डिआं दे मनां च सहम आ। असीं उहे दा रख रखाओ तां कर ही नहीं रहे, उह प्रकाशन तां अपना ही नहीं रहे जिहड़िआं नूं दस्सिआ जांदा कि हत्थ इन्ने वारी धोणा, आह चीज़ां करनीआं। सो इस दौरान जिहड़े लोक ने, जे किसे दे नाल तालमेल तुहाडा हुंदा जां फोन दे जरिए जां परसनली मिलदे हो, उहनां दे मनां च की चर्चा चलदी है? देखो जी, मौत दा जिहड़ा खौफ आ इह हर शख्स दे मतलब के दिल दिमाग दे उत्ते लगी हुई है। इह गल कि हाँ, इह जिहड़ी बीमारी आ बहुत भयानक आ, इह लाइलाज बीमारी आ, इहदा इलाज नहीं है। ते जिहड़ी इह चीज़ां आम लोकां दे विच आ, पर आम लोकां दे विच इक इस तों वी भयानक जिहड़ी उहनां दे जहन दे विच चल रही आ, विवादां दे जिहड़े उहनां दे घेरे अपने आप नाल उह लड़ रहे आ, उह इह आ कि भुखमरी तों वी क्योंकि जिहड़ा आउण वाला समां इह बहुत भयानक आ रिहा। ते जिहड़े गरीब मजदूर आ जिन्हां ने दिहाड़ी करके उन्ना क खाणा उन्ना क कमाउणा, ते साडीआं जिहड़ीआं हुकमरान सरकारां जां कुछ वी आ, साडे जिहड़े मतलब कि कह लईए अमीर घराणे दे लोक आ, उन्हां ने गरीबां दा मजाक बना रख्या। गरीब इक उन्हां दे अग्गे मजाक बन के रहि गए। उह कहिंदे किहड़ा गरीब आ जिहड़ा रोटी नहीं खा सकदा, पर मैं उन्हां नूं इस तरह के भी परिवार विखा सकती हैं जिहड़े दो वक्त की रोटी लई बहुत मजबूर आ। ते मैनूं बड़ा दुख हुंदा जदों लोक मेरे घर तक पहुंच करदे आ, ते जदों मैं उहनां नूं जां मैं तां मौजूदा आपदे पिंड दे सरपंच की गल करूंगी, मैं उहदे घर तक कहिंदी आ, ते उह कह दिंदे आ कि हांजी उह समाज सेवका उह करूगी। तुसीं इह देखो वी मैं इक औरत हो के लड़ाई लड़ रही हाँ, जिथों तक बनता मैं कर रही हाँ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਤ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਧੋਣੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਤੜਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਟੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ,
हैवी कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते वो कहना जी हाल तो मेरा बुरा है। सो फिर सरकार किदे वास्ते कुछ कर रही है? देखो जी तुसी ए गल बिल्कुल सही है, सरकारां जेड़ियां ना असी सेरा हर एक इंसान आपदे सिर लैणा चाहुंदा। सरकारां देखो जदों तां गल सी इन्हां श्रद्धालुआं नूं लिआउण दी लै आंदे उदों तां बीबा हरसिमरत कौर बादल ने भी वीडियो बहुत वायरल कर लिया जी असी अकाली दल ने वापस लैके आंदे, ते साडे मौजूदा विधायकां ने कांग्रेसियां ने भी सिरे लै ले भी हां जी ये असी वापस लैके आंदे। पर जदों ये पॉजिटिव निकले आए ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੁਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਛਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕੱਪ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।